29 सितंबर 2020 को बैरोला जिले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर एवं अन्य लैबों से और एंटीजन टेस्टिंग से अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 30 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 14 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये पूर्णतः स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो काफ़ी वृद्ध थे, जिनका पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था, इनकी आज मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। और आज जो पॉजिटिव आए हैं उनके आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। पहले जो हैं 59 वर्षीय पुरुष हैं, ये कोतवाली सागर पुरानी गल्ला मंडी निवासी हैं। इसके अलावा दूसरे जो हैं 45 वर्षीय पुरुष झुंकू वार्ड देवरी, तीसरे जो हैं ये 22 वर्षीय महिला, ये भी देवरी से। इसके अलावा चौथे जो हैं ये कैंट से 75 वर्षीय पुरुष। इसके अलावा पांचवे 35 वर्षीय पुरुष रविशंकर वार्ड। इसके बाद 60 वर्षीय महिला रविदास वार्ड। 25 वर्षीय पुरुष सुभाष नगर वार्ड। 28 वर्षीय पुरुष मोहन नगर वार्ड। 32 वर्षीय महिला रविशंकर वार्ड। 60 वर्षीय पुरुष बंडा। 47 वर्षीय महिला गोपालगंज। 60 वर्षीय महिला ये बंडा। इसके अलावा 30 वर्षीय पुरुष बक्सवाहा। 53 वर्षीय महिला मोतीनगर। 36 वर्षीय पुरुष मकरोनिया। 25 वर्षीय पुरुष बाहुबली कॉलोनी। 28 वर्षीय पुरुष विद्यासागर कॉलोनी भाग्योदय के पास। इसके अलावा 28 वर्षीय महिला, ये भी भाग्योदय के पास। 19 वर्षीय युवती राजीव नगर वार्ड। 45 वर्षीय पुरुष चक्राघाट। 68 वर्षीय पुरुष रहली। 37 वर्षीय पुरुष ग्राम बामोरा मीना स्टेशन। इसके अलावा एक 29 वर्षीय पुरुष और 36 वर्षीय पुरुष कैंट सागर से। इसके अलावा 62 वर्षीय पुरुष लिंक रोड सागर। 59 वर्षीय पुरुष रहली। 68 वर्षीय पुरुष यश विहार कॉलोनी। 38 वर्षीय पुरुष बीना BORL से। इसके अलावा 16 वर्षीय युवती जो है सुभाष वार्ड बीना। और आखिर में 49 वर्षीय पुरुष तिलकगंज सागर। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें। नमस्कार।